स्टूडर्स, मैं हूं आपका दोस्त शाहरुख और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड इन हिंदी में। आज है ग्रेटिट्यूड चैलेंज डे 4। ये पानी, क्या आपको पता है ऐसे कितने सारे लोग हैं जो इस पानी के लिए तरसते हैं, जिन्हें स्वच्छ पानी पीने का मौका भी नहीं मिलता। आज हमारा बहुत खुश नसीब है कि हमें जिस तरह से पानी का, जिस तरह से स्वच्छ पानी हमें मिल रहा है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है दोस्तों। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो कोसों कोसों माइल सफ़र करके लंबी लंबी कतारें लगाने के बाद ज़रूरत की पानी अपने घर लेकर आते हैं और फिर भी उन्हें स्वच्छ पानी नसीब नहीं होता है। आज हम और आप कितना ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारे हाथों के पास ही स्वच्छ क्लीन पानी मौजूद है। दोस्तों, जो चीज़ हमारे हाथ के पास है उसकी कीमत हमें समझ में नहीं आती, और जब किसी चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुशक्क़त उठानी पड़ती है, तब हमें जाकर उसकी वैल्यू समझ में आता है। तो दोस्तों, आज के दिन पानी के लिए ग्रेटफुल रहें कि आपको ईश्वर ने स्वच्छ जल नसीब किया है। आपको ऐसा भूमि में आपका जन्म हुआ है जहाँ पे हर वक्त अवेलेबल पानी हमें मिल रहा है। इसके लिए हमें दिल से ग्रेटफुल रहना चाहिए दोस्तों। और एक बात कि पानी का वेस्ट हरगिज़ नहीं करें। अक्सर हम लोग नहाते वक्त वॉशरूम में और भी दीगर कई जगहों में हम लोगों ने देखा है कि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो कोशिश करें दोस्तों कि पानी का वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि जल ही जीवन है और जल ऐसा संपद है जिसका कोई भी मोल नहीं हो सकता, जो अनमोल है दोस्तों। इस जल का सम्मान करें, इस जल के लिए कृतज्ञ रहें हमेशा दोस्तों। अगर आपके पास कोई प्यासा पानी के लिए आपसे निवेदन करे, आपसे रिक्वेस्ट करे, तो कभी भी उसे अपने घर से या अपने पास से वापस ना लौटाएं बगैर पानी दिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और कृतज्ञता को फैलाते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।